बटर एक करी जिसका टेस्ट बिल्कुल बटर चिकन जैसा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 से 7 अंडे लेंगे और उनमें गहरे निशान लगा लेंगे जिससे कि जब हम अंडे फ्राई करें तो वे चटकेंगे नहीं। अब 1/4 टीस्पून हरी मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक अंडों में ऐड कर देंगे। अब एक पैन में तेल गरम करेंगे और अंडे तेल में ट्रांसफर कर लेंगे। अंडों को अच्छे से फ्राई करेंगे। जब इन पे हल्का सा कलर आ जाए तो हम इन्हें निकाल लेंगे। अब 2 टमाटर, 3 हरी मिर्च, 2 रफली चॉप प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया और 10 से 12 काजू लेंगे। जिस तेल में मैंने अंडे फ्राई किए थे उसी में मैं प्याज ऐड कर दूंगी और उन्हें हल्का सा सॉफ्ट कर दूंगी। 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे, 3 रफली चॉप टमाटर ऐड करेंगे, उन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 10 से 12 काजू डालेंगे, उसी के साथ थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला लेंगे और सॉफ्ट होने तक लीड लगाकर पकाएंगे। 2 मिनट बाद लीड हटाकर देखेंगे, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें मिक्सी के जार में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इनका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब हम उसी तेल की तरफ आ जाते हैं जिसमें हमने अंडे फ्राई किए थे, उसमें 1 टेबल स्पून बटर डालकर उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब जो हमने पेस्ट बना कर रखा था वो तेल में ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, उसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे जिससे कि बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। इसी के साथ फ्राई अंडे ऐड कर देंगे। अंडों को 2 से 3 मिनट तक मसालों के साथ भून लेंगे और 2 मिनट के लिए लीड लगा देंगे जिससे कि तेल सरफेस पे आ जाए। 2 मिनट बाद तेल सरफेस पे आ गया है और अब हमारी एक बटर करी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही खुशबूदार टेस्टी बटर एक करी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम हरा धनिया डालकर इस पर गार्निश कर लेते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।